मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शिशुपा पॉर्नास ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो और आप की तरह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने। आज है ब्रेकफास्ट में मैगी। ये बिल्कुल हम लोग स्कूल जाते थे ना उस टाइम की मैगी जैसी है। मतलब इसमें आलू है, गोभी है, गाजर है, अंडा है, सबको फ्राई करके फिर उसमें मैगी डाल के मैगी को फ्राई करके फिर खा रहे हैं हम ये मैगी। और जो जो मेरे चैनल में नए हैं उनको बहुत बहुत वेलकम। और मुझसे जो बड़े हैं मेरे चैनल में उन सबको मेरा प्रणाम। और जो मुझसे छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं उन सबके लिए ढेर सारा प्यार। और जो मेरे एज के उनके लिए थैंक यू। और जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे चैनल पे। तो मैं अब खा रही हूँ मैगी। उसके साथ ही जिस जिसका बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे टू यू। और जिस जिसका आज मैरिज एनिवर्सरी है उन सबको मेरी तरफ से मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। और ये जो मैगी है ना ये मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी जो मम्मी है उनको आप जितना भी दे दो, जब देंगे ना आप प्लेट भर के, तो वो बोलेगी मतलब उनको सुबह शाम रात जब भी आप दो उनको मैगी 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 इतना पसंद है। तो उनको जो है अगर आप प्लेट भर के दोगे ना तो उस टाइम वो बोलेगी अरे इतना दे दिया कैसे खाएंगे। फिर खाना जब खत्म हो जाएगा ना तो बोलेंगे और थोड़ा होने से अच्छा ही होता। मतलब वो बोलते हैं ना पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तो मेरी मम्मी का वही है मैगी को लेके। उनका पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है उनका। तो अभी मैं खाती हूँ मैगी और आप लोग अभी ना ब्रेकफास्ट खत्म करो क्योंकि अभी बज चुका है 10:15। बेटी का अभी क्लास है, क्लास नहीं है एग्जाम है। तो बेटी दे रही है एग्जाम। तो मैं अभी खा रही हूँ मैगी और आप लोग भी फटाफट से ब्रेकफास्ट करके मेरे साथ आ जाओ। फिर से मिलेंगे साथ साथ। ओप्स, कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? गेस 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 गेस। नहीं पता चला ना। मिसिंग है सुबह की मेरी दूसरी चाय जो मैंने आज बनाया ही नहीं क्योंकि हस्बैंड आज जल्दी चले गए ऑफिस क्योंकि उनके ऑफिस में है इंस्पेक्शन। तो वो सुबह 8 बजे निकल गए तो उस टाइम उन्होंने चाय नहीं पिए। तो अभी जो है मैगी बस खाएंगे हम लोग। आज दूसरा चाय नहीं पियेंगे। अब खाना बनाना है मुझे और अगर मैं बनाती हूँ मेरे खुद के लिए दूसरा चाय तो मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, है ना? क्योंकि मेरी चाय तो आप लोगों के बिना अधूरा है। तो अगर चाय बनी तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो हम जो है खाना बनाने में बिजी हो जाएंगे क्योंकि अब तक मेरा कुछ भी नहीं बना है खाना। बहुत कुछ बनाना है। आज हस्बैंड टिफिन भी नहीं लेके गए इसलिए सुबह जल्दी जल्दी नहीं खाना बनाया हमने। तो अभी मैं बनाती हूँ, अभी मैं चलती हूँ किचन, फिर आके मिलती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? जो चाय अगर बनेगी तो मैं जरूर बीच में आऊंगी, नहीं तो मिलेंगे बाद में। हे फ्रेंड्स, आ गई मैं फिर से मौसमी लेके। तो इसको हम खाएंगे। ये सास ने काट के रखी है, देखिए छोटे छोटे टुकड़ा करके। तो अच्छा लगता है छोटे छोटे पीसेस में अगर रहता है तो। बेटी खा चुकी है चम्मच से, वो भी पता नहीं उसको हर चीज में चम्मच चाहिए। तो मेरा खाना जो है कंप्लीट हो गया। तो आज जो खाना बना है बिल्कुल बंगाली खाना बना है। पता नहीं नॉन बंगाली लोग जो है वो लोग, उन लोगों को पता होगा भी कि नहीं ऐसे ऐसे भी बन सकता है। तो मैं खाना जो है आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। बंगाली लोग तो समझ जाएंगे, नॉन बंगाली लोगों को थोड़ा सा लगेगा फिश का इससे कैसे बनता है क्या बनता है। कोई नहीं, आप लोग भी देखेंगे। अभी 12:15 हो रहा है। अभी मैं जाऊंगी नहाने, शैम्पू भी करनी है, बाल पूरा गया तो शैम्पू करती हूँ। उससे पहले मैं खाती हूँ इसको। और आज जो है मम्मी से बात नहीं हुई। अभी बात करते करते, मम्मी से बात करते करते मैं मौसमी को खाऊंगी। खाना पीना क्या, इसका जूस ही पीते हैं ना, तो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, समझ लीजिएगा आप खाएंगे या पियेंगे। तो लंच के टेबल में मिलते हैं आप लोगों के साथ और दिखाऊंगी क्या क्या बनाया आज मैंने खाने में। तो अब मैं नहा के आ गई और देखिए बज रहा है 2:30। मैं लेट हो गई फोन पे बात करते करते। तो सास जो है दे रही है खाना, देखिए आज इतना लेट हो गई कि सास ही खाना वो परोस रही है। तो खाने में है, मैंने आप लोगों को बोला ना मैं दिखाऊंगी लंच टेबल पे आप लोगों को। खाने में है, अच्छा रुके, खाने में है ये प्याज कली और आलू फ्राई है, ये कल का मछली एक बचा हुआ है वो है, और ये है मछली के अंडे से
अंडे से पकोड़ा बना के उसकी एक सब्जी, और ये होता है मछली का एक तेल रहता है अंदर जिसको साफ करके आप खा सकते हो, अच्छा लगता है। तो ये वही है, बैंगन के साथ प्याज के साथ बनाया है, ये बहुत टेस्टी बनता है। कभी इसका रेसिपी मैं, हाँ अभी बेटी बोलेगी, हाँ उसको सबको बहुत पसंद आता है, मतलब जो लोग मछली खाते हैं। मेरे पापा मम्मी पहले नहीं खाते थे तो मैं बनाई, खा के इतना पसंद आ गए तो वो लोग भी अभी घर में बनाते हैं। तो यही है आज मेनू में, यही सब खाएंगे हम लोग अभी, तो खाना खा लेते हैं। मैं आज नहीं दे रही हूँ, दे रही है सास खाना, जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, खा के फिर आऊंगी बाद में, ठीक है, मिलते हैं थोड़ा टाइम बाद। खाना वाना हो गया, छत पे आई थी थोड़ा सा धूप सेकने, एक्चुअली मुझे धूप तो पसंद नहीं है, मैं आप लोगों को बोल ही चुकी हूँ, लेकिन क्या है ना थोड़ा लेट नहाई और ये बिल्कुल धूप नहीं है, कहाँ चला गया, सुबह तो था, क्या पता नहीं क्या आएगा, साइक्लोन कल आएगा परसों आएगा पता नहीं। हस्बैंड को कल मैं बोली मेरा क्रीम ख़त्म हो गया, लेने के लिए जाना है और कल जाएंगे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो जाएंगे तो वो बोले कैसे जाएंगे साइक्लोन आएगा, मैंने कहा कल ही आएगा क्या, तो पता नहीं। आज भी देखिए मौसम बिल्कुल, मतलब अभी ढाई मतलब पौने तीन हो गया, मुझे खाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगता है खाने में। तो खाना खाया और तुरंत मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जो बाल, ये तो 2-4 बाल है मेरा, लेकिन चलो 2-4 है फिर भी सुखाना तो है, तो सुखाने के लिए आई। वैसे मैं आती नहीं हूँ धूप में, आज थोड़ा कम लगा धूप तो सोचा कि आ जाते हैं छत पे, लेकिन एक बूंद भी नहीं है, धूप का धूप ही नहीं है। तो अभी नीचे चले जाएंगे, जाके लग रहा है कंबल ओढ़ के सो जाएंगे, आज थोड़ा कंबल ओढ़ने वाला है। वैसे हम लोग डेली ओढ़ते हैं लेकिन ऊपर फैन चलता है, आज नहीं चलेगा शायद, दोपहर का तो नहीं चलाती हूँ, शाम को चलाती हूँ। ये मेरा छत है काफ़ी बड़ा, क्योंकि ये फ्लैट है घर होता तो मेरा इतना बड़ा छत है। और वो मछली का जो मैं आप लोगों को बताया ना, बहुत टेस्टी बना था, सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी, एक दिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो थोड़ा टाइम रह के चले जाएंगे नीचे, ओके बाद में मिलते हैं, शाम की चाय के साथ ज़रूर आऊँगी आज मैं, क्योंकि सुबह की चाय आज मिस, इसीलिए मेरा दिन थोड़ा सा कैसा कैसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सुबह तो चाय पी हूँ लेकिन दूसरा वाला चाय जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है ना वो मैंने नहीं पिया, इसीलिए दिन थोड़ा मेरा कैसा कैसा लग रहा है अभी समझ आई मैं चाय की बात उठी तो। ठीक है शाम की चाय के साथ मिलते हैं, तब तक थोड़ा सा सो लेते हैं। मैं सो के जग गई डेरी की तरह, और कोको यहाँ पे बेड पे मेरे साथ खेल रहा है बोरोलिन के डब्बा लेके, गिरा रहा है और उसको चाहिए बाऊ बाऊ। उस टाइम तो मतलब चिल्लाता नहीं है, उस टाइम क्या करता है एक मतलब ऐसे आवाज निकालते, कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी बनाने जाऊंगी चाय, सास जो है वो एज इट इज देख रही है डेली की तरह, दीदी नंबर वन तो चलिए फिर चाय के साथ आएंगे, बाय बाय, मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। मैं आ गई हूँ मेरी शाम की चाय के साथ, बेटी भी है आसपास, चाय नहीं पी रही है वो प्योर मिल्क एंड बॉर्नविटा। तो साथ में इसमें क्या खाया, ये मुरी और चनाचूर, नहीं पता उसको मुरी को क्या बोलते हैं, मुझे भी पता था भूल गई। पीछे सास भी है, उन्होंने भी पी लिए है चाय, तो अब मैं पीऊंगी। मैंने भी थोड़ा सा मुरी और चनाचूर जिसको नमकीन बोलते हैं वो खाया। देखिए बिस्किट का डब्बा खोला नहीं, कोको आ गया तो अभी हम बिस्किट खाएंगे, बस एक खत्म, मैंने ही खा लिया इस सारे बिस्किट मेरे ख्याल से, है ना, पता नहीं किसी को मिला ही नहीं शायद, तो बिस्किट खाएंगे, तो खाते हैं बिस्किट और साथ में चाय। दे ओके टू बिस्कुट दे तो देख देखो ए तक नीचे तक नहीं बिस्कुट अच्छा होता है, कोको को भी देना है बिस्कुट, तो सब खाते हैं। हस्बैंड भी आ जाएंगे अभी, जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कुछ बोलना है नहीं, बाद में आती हूँ। मैं अब जा रही हूँ कंप्यूटर क्लास 3 दिन हफ्ते में, तो देखते हैं चलते हैं कंप्यूटर क्लास के, फिर रोटी बनाना है, सब्जी तो बना रही है, अभी चलते हैं।
बाद में मिलते हैं आप लोगों के साथ, अभी तो जा रही हूँ। तो अब जो है टाइम हो गया 9 और मैं कंप्यूटर क्लास से अभी आई और आके देखा हस्बैंड जो है चिकन नहीं पनीर टिक्का है ना, पनीर टिक्का लेके आया। कोको को भी खाना है लेकिन कोको को नहीं दे सकते हैं वो, तो अभी 9 बजे हम लोग खा रहे हैं स्टार्टर। पता नहीं डिनर कब खाएंगे, तो अभी स्टार्टर खा रहे हैं हम लोग। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो खाते हैं, सास चिकन नहीं खाते हैं तो चिकन, इसलिए कुछ चिकन का कुछ भी बाहर से नहीं लेके आ सकते, घर में तो बना सकते हैं, तो इसलिए जो है पनीर है। सब मिलके अभी खाएंगे, देखिए सब बैठ गया खाना खाने, सास भी आ गई। मम्मी यस, चलिए फिर खाते हैं हम। आप लोग देखना मत, मतलब देखिए क्या कह रहे, दे तो नहीं सकते, और खाना है तो आ जाइए मेरे घर। तो अभी हम लोग जो है कबाब खा लिया, धत क्या बोले जा रहे हैं, कबाब नहीं पनीर टिक्का स्टार्टर खाए हैं 9:15 बजे। तो पता नहीं कब खाना खाएंगे, खाके आधा लेटे हुए हैं, मैं ही लेटी हुई हूँ आधा, क्योंकि बहुत काम करके आई हूँ ना, क्लास करके आई हूँ यार, छोटी बच्ची बन गई हूँ, अब सास जो है मम्मी बन गई है। तो दोपहर को भी आप लोगों को दिखाया ना कि सास ने खाना परोस के दिया, वो सास है ना कभी कभी मुझे खिला भी देती है, इतनी प्यारी सास है मेरी। चलो सास की बातें कभी बाद में करूंगी, अभी पता नहीं कब खाना खाएंगे या कितना खाएंगे, पेट भर चुका है सभी का। तो ब्लॉग आज का यही तक का था। हिंदी बोलते बोलते कभी कभी तोतला बन जाती हूँ मैं, तक का था। ठीक है, फिर अभी गुड नाइट। और मेरे ब्लॉग में अगर कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे रखा हुआ बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे जो नोटिफिकेशन है, तो वीडियो का नोटिफिकेशन है, आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, और आप लोग थोड़ा सा देख के मेरा हिंदी एंजॉय कीजिए। बस इतना ही है, अभी हस्बैंड हमेशा मोबाइल, सास इधर में बैठी हुई है कौन बनेगा करोड़पति देख रही है, कोको नीचे, क्योंकि अभी हम लोगों का सोने का टाइम नहीं हुआ, कोको का खाना भी नहीं हुआ, अभी उसको खिलाएंगे। बस इतना ही है, और क्या, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, सब्सक्राइब कर दीजिएगा थोड़ा सा। बेटी हंस रही है मम्मी की नौटंकी देख के, ठीक है, सब्सक्राइब कैसे करते हैं वही, बस थोड़ा सा लोग। ठीक है, बहुत नौटंकी हो गई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।